देश और प्रदेश में बढ़ता प्रदूषण सभी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। खासकर वाहनों के प्रदूषण से निजात पाने के लिए कई उपाय भी किए जा रहे हैं। इसी दिशा में एचआरटीसी रामपुर बुशहर द्वारा इलेक्ट्रिक वैन रामपुर पुराना बस अड्डा से खनेरी अस्पताल तक शुरू की गई है। इस वैन ने यात्रा का फिक्स किराया 10 रूपये रखा है ताकि लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके। एचआरटीसी की इस कोशिश का फायदा स्थानीय लोगों के साथ ही बीमार और तीमारदार भी उठा रहे हैं। लोगों ने निगम के इस प्रयास की सराहना की है और कहा है कि वैन ऑटो और अन्य गाड़ियों से ज्यादा आरामदायक है, प्रदूषण भी नहीं फैलाती। अब लोगों की मांग है कि रामपुर बुशहर के आसपास के स्थानों के लिए भी इलेक्ट्रिक वैन की यह सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। रामपुर बुशहर से निशांत शर्मा की रिपोर्ट। मौजूद है ट्रांसपोर्ट द्वारा लोगों की सुविधा के लिए चलाई गई वैन में, और ये वैन लोकल सवारियों को रामपुर से लेकर खनेरी अस्पताल तक 10 रुपए में ले जाती है, और लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर से निशांत शर्मा की रिपोर्ट। एचआरटीसी द्वारा रामपुर से खनेरी लोगों की सुविधा के लिए लगाई गई है, जिसका किराया 10 रुपए है, और लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आकर सफ़र करें ताकि 5-7 महीने और आ जाए जो रिचोली ब्रो गातखाना कोलर चलाई जा सके। अंकुश, आई एम फ्रॉम रामपुर, और लेके मैं थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो एचआरटीसी की एक नई वैन लगाई गई है, तो उसमें मैं बैठा हूँ, तो मुझे उस बैठते हुए ना काफ़ी ज़्यादा फील हुई है और अच्छा भी लगा। लोगों के लिए अच्छी सुविधा दी गई है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसका आनंद लें और उसका लुत्फ़ उठाएं। और रामपुर बाज़ार से बिलोंग करता हूँ, और जो भी एचआरटीसी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो भी बैटरी वाली जो वैन चलाई गई है, बहुत ही लाभदायक है और लोगों के लिए बहुत ही आरामदायक भी है। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए ताकि आगे लोगों को जो है फ़ायदा मिल सके, जो हमारी रामपुर की जो जनता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके।